चांद, चांद तो हमेशा मुकम्मल होता है। ज़िंदगी की तेज़ हवाएं, तपती धूप, दहकते सहरा, गहरे तारीक साए और संगीन आजमाइशें इसको फना करने में सफ़े अव्वल होती हैं। माना कि ये गहरी तारीकी इसकी रोशनी को मांद कर देती है, ये दहकते और बहकते तूफ़ान इसका तसलसल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन चांद तो फिर चांद है, अकेला पुरुमीद, दुनिया से दूर, अपनी धुन में मगन, शरीर लहर और मुस्काती रोशनी को लिए अपने सफ़र पर गामजन है। वो चांद ही तो है जो बग़ैर किसी मतलब के तारीखियों में भी रोशनी का सामान करता है। ना कोई समझा, ना कोई समझ पाएगा, क्योंकि कहते हैं कि हुस्न देखने वाली आँख में होता है। तो कोई आँख है जो इस चांद के हुस्न को भांप सके? वो चांद खुदा के बाद उसके महबूब के ताबे है। वो फरमा दें तो टूट कर अपनी जान को दो हिस्सों में भी तकसीम करने को तैयार हो जाए, और वो ना चाहें तो कोई ताकत भी उस पे हावी नहीं आ सकती। चाहे वो आग बरसाता सूरज ही क्यों ना हो, तमाम ग्रहण तोड़ कर वापस एक बार फिर चमकता है, अपना फ़र्ज निभाता है। उसका काम चमकना है, वो अपना काम सरंजाम देता है। उसको ना कोई डर है, ना कोई खौफ। आज की इस मसरूफ़ दुनिया में बहुत कुछ नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन जो नज़र में आता है उसको ये नज़रें खा जाती हैं। ये खुली खुली सी अदावतें मुझे रास थीं, ये जो जहर खंदा सलाम थे मुझे खा गए। बचपन में चंदा मामू की बहुत सी कहानियाँ सुनी थी, वो तब भी खुशी और उसको छू लेने की उम्मीद से भरपूर एक खुशगवार वाकिया था। वो आज भी जंगल में गुम हो जाने वाले बंजारे की आँख की उम्मीद है। वो आज भी उस बच्चे का सहारा है जो अपनी नाबीना माँ की उंगली थामे रात की छाई कालक में भटक रहा है। ये खुदा का वो तोहफ़ा है कि जिसके बग़ैर कायनात बेरंग होती है। लोग कहते हैं आज की रात चांद रात है, पर मेरे मुताबिक हर रात चांद की है। आसमान का चांद ज़मीन के चांद से ज़रा मुख्तलिफ़ है, दाग दोनों में है, मगर एक हर हाल में कबूल है और दूसरा न जाने कहाँ महसूर है। न जाने किस जहाँ में गुम है, तलाश है मुझे उस चांद की। आसमान से तोड़ कर तो ला न सके चांद, आसमान से तोड़ कर तो न ला सके कोई भी चांद। खुदाया मिला देना ज़मीन का खोया हुआ चांद, ज़मीन का खोया हुआ चांद।